डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे पहले हमने बात की एक्सचेंजेस विद द एनवायरनमेंट और एक्सचेंजेस में सबसे पहले जो एक्सचेंजेस है वो है गैसेस का गैसेस कौन सी हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस जो है नॉर्मली इनके लिए जो प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन का डिफ्यूजन में गैसेस जो हैं दे मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू दैट ऑफ द लोअर वन सो ऑक्सीजन इज रिच इन हायर कंसनट्रेशन आउटसाइड द बॉडी इट विल एंटर इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इन हायर कंसनट्रेशन इनसाइड द बॉडी सो दिस विल मूव आउट इसी तरह की जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है दिस टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी वाल बाई अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन अब ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं बॉडी में वो हैं अमोनिया अब अमोनिया जो है दिस इज़ आल्सो इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी इट विल मूव आउट आल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फिर मैरीन इन्वायरमेंट्स में एनिमल्स को ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम भी मेंटेन रखना पड़ता है जबकि फ्रेश वाटर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है फ्रेश वाटर में क्या है नॉर्मली फ्रेश वाटर इन वर्टीब्रेड्स आर हाइपरटोनिक टू देयर एक्वाटिक एनवायरनमेंट और इनके अंदर जो एक कॉमन प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन टर्बिल में ये एग्जांपल है प्लेनेरिया की यहाँ पे आप देखें इसका आई स्पॉट्स यानी आईज आर क्वाइट वेल डेवलप्ड औरकल्स माउथ ओपनिंग फेरेंगस आई स्पॉट्स और माउथ इज़ लीडिंग टूवॉर्ड्स डाइजेस्टिव कैिटी इट इज़ आल्सो हैविंग फेरेंस इन शीत अब ऑसमो रेगुलेशन की हम बात कर रहे थे तो उसके लिए जो इसके अंदर अब एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की अपीयरेंस के लिए जो ऑर्गन्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोनिफ्रीडिया प्रोटोनिफ्रीडिया क्या करते हैं कि इसके वाटर की रेगुलेशन को जो बॉडी में एंटर होगा उसको मैंटेन करते हैं प्रोटोनिफ्रीडिया प्रोटोज का मतलब ग्रीक वर्ड है पहले यानी वो जो किडनीज नेफ्रोस किडनी सबसे पहले जो किडनी जिस एनिमल्स में अपीयर हुई वो टर्बिलेरियंस थे इसलिए उसका नाम हमने प्रोटोनेफ्रिडिया रख दिया अब प्रोटोनेफ्रीडिया का नेटवर्क है जो कि एंटायर लेंथ ऑफ द टर्बिलेरियंस अलोंग इट्स इट्स साइड मौजूद है इसके अलावा न्यूम्रियस फाइन साइड ब्रांचिज़ ऑफ द ट्यूब्यूल्स दे औरजिनेट इन दैरनकमा एज टाइनी एंड लार्जमेंट फ्लेम सेल्स तो फ्लेम सेल्स और प्रोटोन एफ्रेडिया बोथ दी स्ट्रक्चर्स दे हेल्प इन एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स का क्यों नाम है बिकॉज जिस तरह से कैंडल का फ्लेम फ्लिक करता रहता है इसी तरह से ये भी फ्लिक करते रहेंगे और वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते रहेंगे यहाँ पे एक्सचेंज विद द एन्वायॉयरमेंट दिस इज थ्रू दिस एक्सक्रीटरी ट्यूब

या कुछ ओपनिंग्स जो हैं दे आल्सो ओपन आउटसाइड द बॉडी सिलिया बीट करते हुए फ्लूड को और वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे इसका नेट रिजल्ट ये होगा कि ट्यूब्यूल्स से वेस्ट जो है दे विल बी रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी ये ट्यूब्स जो हैं दे नॉर्मली मर्ज मर्ज होकर एक सिंगल ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर में ओपन होंगे नेक्स्ट सिस्टम है इसके अंदर नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम इसमें सबसे प्रीमिटिव जो है दैट इज प्रेजेंट इन फ्लैट फ्लैटफॉर्म्स और इसमें सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्स की शक्ल में यह नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद है दिस प्लेक्स रिजेंबल्स विद द नर्व नेट ऑफ नाइडेरियन इसके अंदर स्टैटोसिस मौजूद है एंटीरियर एंड पे एंड दिस स्टैटोसिस फंक्शंस लाइक अ मिकैनो रिसेप्टर और ये मिकैनो रिसेप्टर जो है नॉर्मली इट इज़ एक्साइटेड बाय द बॉडी कुछ टर्बिलेरियंस में सेंट्रलाइज्ड नर्व नेट मौजूद है और नर्व नेट्स जो हैं कुछ पॉइंट्स पे थिक हो के अब गेंगलियॉन की अपीयरेंस भी हमें शो कर रहे हैं दिस इज़ द नर्वस सिस्टम केस ऑफ कनाइडेरियंस यहाँ पे एसिला एंटीरियर स्टेटोसिस और यहाँ पे आप देखें सबसे पहले जिस नर्व्स थिक होकर थिक एंड मास्ट उसको हम कहते हैं गेंगलिया जब ये गेंगलियान हेड रिजन में थिक एंड मास् की शक्ल में मौजूद होगा तो उसको हम कहते हैं सेरिब्रल गिया ये सेरिब्रल गिया जो है दिस इज़ द अपीरेंस ऑफ ब्रेन और यहाँ पे गेंगलियनज हैं वहाँ से लेटरल नर्व कॉर्ड है और ये दोनों नर्व कॉर्ड एक दूसरे से कॉमी से कनेक्टेड है सो इन दिस फाइला दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज़ अपीयरेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम